ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस साइड राज गुप्ता एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले चार वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं सीआई की। आई होप आपको चारों वीडियोस बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और लगभग हम लोग 15 से 16 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं हम सीआई के सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आए हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं सारे क्वेश्चन कोशिश करूँगा आपको कि सारे क्वेश्चन समझा सकूँ। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, सीआई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, इसे कॉम्प्लिकेटेड ज़रा भी नहीं होना। और एक चीज़ और बच्चों, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, क्या ट्रेंड, मतलब एग्ज़ाम का ट्रेंड नहीं चल रहा, लोगों ने बना रखा है इसे कि एग्ज़ाम, अगर मैं ये कहता आप पर्सनल अपना खुद का एनालिसिस करो। देखो, आप एक योद्धा हो, ठीक है, और हम तो सिर्फ आपको बता रहे युद्ध कैसे लड़ना, ठीक है, योद्धा आप लोग, हमारा काम है युद्ध बताना आपको लड़ना कैसे। जैसे महाभारत था ना, महाभारत में कृष्ण से सारथी का काम किया था कृष्ण ने, और पूरी महाभारत जो थी, भले ही कृष्ण जी ने अपने दम पे पूरी महाभारत, मतलब वो चाहते तो एक सिर्फ एक चक्र उठाते और काम ख़त्म हो जाता पूरी महाभारत का, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सारथी का काम किया। तो भाई, मेरा भी काम क्या है, मैं एक सिर्फ आपको बता रहा हूँ, योद्धा आप हो, युद्ध आपको लड़ना है, ठीक है। और युद्ध अगर आपको लड़ना है तो आप खुद अपना एनालिसिस करो कि एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करो, अपना खुद का एनालिसिस करो, आपको कितना आता है और एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। और मैं बताऊं आपको, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसी वैसे ही उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करो। ये नहीं कि आप अच्छे, मतलब देखिए मैं बताऊं आजकल क्या चल रहा है, लोग कठिन कठिन क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब लोग टफ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और अपने पेड कोर्सेज को बेच रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं देखो, मतलब आपसे अपने ऊपर ध्यान रखो कि आपको क्या करना और कैसे आपको अपना काम करना, ठीक है। ये नहीं कि मेरे हिसाब से, अगर आप ही जो हो वो अपना पेपर खुद ही निकाल सकते हैं, ना इसमें हम आपके कुछ कर सकते, ना कोई तीसरा बंदा कोई कुछ कर पाएगा, सिर्फ आप ही हो जो अपना पेपर निकलवा सकते। और कैसे निकलवाओगे अपना पेपर, आप खुद मेहनत करो, खुद देखो एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और आपकी तैयारी क्या उस हिसाब से चल रही कि नहीं चल रही, आप जो क्वेश्चन पेपर में बन रहे वो क्वेश्चन आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आप उठा के देखो पिछले पेपर, जो आपके पेपर हो चुके सीजीएल की, पूरे पेपर हो चुके, एक भी क्वेश्चन मैथ का कठिन नहीं आया था। आप नहीं हो तो मेंस के पेपर उठा के देखो, कुछ भी, मतलब कुछ हम कह नहीं सकते पेपर कठिन, बिल्कुल भी पेपर कठिन नहीं आ रहे, बस कैलकुलेटिव आ रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप पेपर को आराम से इजीली निकाल के ले जाओगे, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, क्या वो ये कि अकेले मैथ्स के दम पे पेपर नहीं निकल सकता, पेपर निकालने के लिए चाहे आप कोई से भी बात करो, चाहे एसएससी का निकालना हो, चाहे बैंक, चाहे सीडीएस, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना, तो आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कि आप लोग अभी नहीं कर रहे तो आपको करना पड़ेगा, तभी पेपर निकल पाएगा। तो अब बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, पार्ट 5 सीआई का, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। 16 क्वेश्चन हम करवा चुके थे, 17वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्रिंसिपल हमें गिवन है 20,000 रुपये, रेट गिवन है 20%। प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना, 20,000 रुपये, रेट गिवन है हमें कितना, 20%। प्रिंसिपल गिवन है 20,000, रेट गिवन है हमें कितना, 20%। टाइम गिवन है हमें 1 साल 6 महीने, 1 year 6 month, 1 year 6 month, ठीक है। और फाइंड सी आई इफ रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सी आई आपको कैलकुलेट करना, क्वेश्चन लिख लेना पूरा, फाइंड सी आई इफ रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको क्वेश्चन में क्या करना, सी आई कैलकुलेट करना, और जो आपको रेट है वो रेट आपको हाफ ईयरली, मतलब आपको जो ब्याज यहाँ पर मिलेगा वो हर 6-6 महीने, ये पर एनम गिवन है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा आपको वो हर 6-6 महीने में ब्याज मिलेगा, ठीक है। फाइंड सी आई इफ रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो यार, टाइम कितना गिवन है भाई, 1 साल 6 महीने। अगर टाइम 1 साल 6 महीने गिवन है और हमसे कह रहा है कि हमें हर 6-6 महीने में ब्याज मिलना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर 6-6 महीने, मतलब 3 बार ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये कितना 1.5 साल हो गया ना, 1.5 साल यानी कितने, पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, और फिर 6 महीने, तो इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3 बार, तो 3 बार के लिए कॉलम कैसे बनाएंगे, ये आपके 3 बार के लिए कॉलम बन गए, ठीक है। अब एक बात देखो, प्रिंसिपल हमें गिवन है, अब देखो यार ये 20% पर एनम इंटरेस्ट गिवन है हमें, अगर 20% पर एनम गिवन है तो हमें हर 6 महीने ब्याज चाहिए, तो ये रेट भी आपका आधा हो जाएगा, जब ये भी 1 साल का है, तो अगर 1 साल का 20% हो तो 6 महीने कितना हो जाएगा आपका, 10%, और 10% यानी कि 1/10, 20,000 का 1/10 करोगे तो पहले 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 2,000 रुपये, ऐसे अगले 6 महीने पर इस पे तो मिलेगा 2,000 रुपये, और इस 2,000 रुपये कितना मिलेगा आपको, 200 रुपये, ठीक है। फिर अगले 6 महीने आओगे तो इस पे कितना मिलेगा आपको, 2,000 रुपये, और इसका 2,000 का 200 रुपये यहाँ पे, इस 2,000 का 200 यहाँ पे, और 200 का कितना, 20 रुपये यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना, कैलकुलेट करना आपको सी आई कितने साल के लिए, 1 साल 6 महीने, तो देख लो यार भाई कितना हो रहा है, 1 साल 6 महीने का 2,000, 2,000, 2,000, 6,000, 6,620 रुपये, ये आ गया आपका आंसर, लो खत्म।
ठीक है। इसे तुम अब देखो यार, कैलकुलेट हमें सी आई करना था, इसे हम वैसे भी कर सकते थे फ्रैक्शन वाले से। कैसे? 10% है, 10% यानी 1/10, तो पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, तीसरे साल भी कितना होगा, 10 से 11। इन सब का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया भाई, 1000 रुपये। इन सब का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया आपका, 1331, 1331, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ही तो तुम्हारा सी आई कहलाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 331 रुपये। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल नाम में 1000 की वैल्यू गिवन है कितनी, 20,000। अगर 1000 की वैल्यू कितनी है, 20,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20, और अगर 1 की वैल्यू 20 आएगी तो 331 का मल्टीप्लाई अगर तुम 20 में करोगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 6620 ही निकल के आएगा। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। अब थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, अभी तक हमने क्या रेट परसेंट हमें गिवन था, हम प्रिंसिपल निकाल रहे थे, कभी सी आई निकाल रहे थे, कभी सी आई और ऐसा के डिफरेंस निकाल रहे थे, कभी हम अमाउंट निकाल रहे थे, लेकिन अब थोड़े से वेरिएशन हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग हटके चाहिए, अलग टाइप है आपका। क्वेश्चन है आपका कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीस, ध्यान से लिखिए क्वेश्चन को, ये कह रहा है इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीस 225, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीस 225 अमाउंट टू रुपीस 256, अमाउंट टू रुपीस 256 इन टू ईयर्स, अमाउंट टू रुपीज 256 इन टू ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ सी आई, देन फाइंड द रेट ऑफ सी आई, देन फाइंड द रेट ऑफ सी आई। चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 256 रुपये दो वर्ष में, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 225 रुपये दो वर्ष में 256 रुपये हो जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं पहले तो अगर अमाउंट का फॉर्मूला रख के, अगर पहले हम फॉर्मूले बेस से कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको पता हो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट है 1+R/100^n, ठीक है। अमाउंट कितना है भाई आपका, 256 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, 225 रुपये, ब्रैकेट है 1+ रेट हमें कैलकुलेट करना है अपॉन में 100, और पावर कितनी चढ़ा दी भाई हमने, 2 साल, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। यहाँ पर आ जाएगा तो 256 अपॉन में कितना हो जाएगा, 225 इक्वल्स टू कितना है आपका, 1+ में R/100^2 कितना हो जाएगा आपका, 2। अब यहाँ से अगर पावर हटेगी तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा यहाँ से, पावर हट के यहाँ पर रूट चढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 256 होता आपका 16 का, और ये किसका होता आपका 25 का, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 100+R/100, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समय में आ गया होगा। इस 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो कितना, 100 अच्छे चाहे काट लो 25 से कट जाएगा आपका, 4 बार में 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 64 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 100+ में कितना हो जाएगा आपका आर, ये 100 यहाँ जाके क्या हो जाएगा भाई आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 100 यहाँ जाके माइनस होगा तो 100 में से R² है यहाँ पे, सॉरी यहाँ, तो 100 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना चाहिए आपका, 36। कुछ गलती कर दी क्या? हाँ गलती क्या हुई देखो बताते हैं। देखो हम पहले स्क्वायर को भेज नहीं सकते यहाँ पे, हम क्या करेंगे, 256 अपॉन में 225 तो ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 100+ में R² अपॉन में कितना हो गया भाई, 100 हो गया, ठीक है, इतना ठीक है। अब इसे सॉल्व करो यार, और तो ये आपको हो जाएगा कितना, 16 अपॉन में 15, ये गलत हो गया था, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आएगा, तो इस 256 होता आपका 16 का और 225 होता आपका 15 का, ठीक है। और इक्वल्स टू में कितना होगा आपका, 100+R/100, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 16 × 100/15 इक्वल्स टू कितना चाहिए आपका, 100+R, ठीक है। काट दो, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से आए कितनी आ रहा है, 20 बार में, ठीक है। अब तो कुछ कट नहीं रहा, अब 16 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 320, और 100 को और यहाँ लेके आओगे तो हो जाएगा आपका 320/3 और बराबर, माइनस में कितना हो जाएगा आपका, 100, और इक्वल्स टू कितना रहेगा भाई तुम्हारा, आर।
ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाए आपका 320, मतलब आ गया 20 बटे में 3 बचे, मतलब आर इक्वल टू बचेगा आपका कितना 20 अपॉन में 3, तो आंसर कितना होगा आपका 6 होल 2/3%। ये क्या होगा भाई आपका रेट परसेंट होगा आपका जो कैलकुलेट किया। अब देखो फॉर्मूले से कितना ज़्यादा लेंदी बन गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया, कहीं ना कहीं आप बिज जाओगे कैलकुलेशन में। तो इसे बहुत आसान करने के लिए देखो क्या करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना बस एक बार, क्या इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखो क्या करना, अब जब भी तुम्हें गिवन हो गया, तुमसे कह रहे हैं कि 225 रुपये दो साल में 256 रुपये हो जाते हैं। जब भी तुम्हें प्रिंसिपल गिवन हो और अमाउंट गिवन हो और टाइम गिवन हो कितना, दो साल, ध्यान से सुनते आना है। जब भी तुम्हें प्रिंसिपल गिवन हो, अमाउंट गिवन हो और रेट, और तुम्हें क्या गिवन हो, टाइम गिवन हो, दो साल, और तुमसे कहें फाइंड द रेट परसेंट, तो भाई 225 रुपये हैं, कितने हो रहे हैं ये 256 रुपये हो रहे हैं, कितने साल में हो रहा है, दो साल में, तो इस पर भी क्या चढ़ा लो, स्क्वायर रूट चढ़ा लो, इस पर भी स्क्वायर रूट चढ़ा लो। 225 किसका होता आपका 15 का होता, ये किसका होता आपका 16 का, यानी कि हमें 1 रुपये ब्याज मिला, 15 से कोई धन 15 था आपका, 15 से कितना हो गया 16 रुपये हो गया, 1 रुपये ब्याज मिला, ये 1 रुपये ब्याज किस पे मिला आपको 15 पे, 1 रुपये ब्याज मिला किस पे मिला 15 पे, और इनटू में क्या हो गया आपका 100, इनटू में 100 क्यों किया, क्योंकि हमें रेट परसेंट निकालना है, ठीक है, इनटू में 100 काटो भाई 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, और 20 बटे में 3 को तुम लिख सकते 6 से 2/3%। आई होप बहुत अच्छे समय में आ गया, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। जब भी तुम्हें प्रिंसिपल गिवन हो, जब भी तुम्हें अमाउंट गिवन हो, तो कुछ नहीं करना। टाइम अगर तुम्हें 2 साल गिवन है तो तुम क्या चढ़ा लो यहाँ पे, स्क्वायर रूट चढ़ा लो। अगर टाइम 3 साल गिवन होगा तो हम क्या चढ़ा लेंगे आपका, क्यूब रूट चढ़ा लेंगे। ध्यान रखना, आप तुमको भाई 4 साल गिवन हो तो भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेंगे, तुम पेपर उठा के देख लेना। अगर गिवन हो तो मैं वहाँ पे दिया हुआ हो तो वैसे तो मैं बता रहा भाई छोड़ देना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन को छोड़ देना। क्यों छोड़ना क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पे हमें ध्यान रखो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेपर में बैठ के हमें ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर तुम्हें सीखना हो तो आप मुझे, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन मिल जाए वहाँ का तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें तुरंत उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन लिखिए, If a certain sum of money of rupees 1,02,400 amount to rupees 1,45,800 in three years, then find the rate of CI। चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 1,02,400 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 1,02,400 रुपये 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये हो जाएंगे, 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये। तो भाई अभी बताया कि अगर तुम्हें जब भी प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और टाइम गिवन है 3 साल, तो क्या करोगे तुम, क्यूब रूट चढ़ाओगे। अब देखो कितना था भाई, एक लाख दो हज़ार चार सौ रुपये कितना हो गए आपके, 1,45,800 रुपये हो गए, ठीक है। कितने साल में हुए ये आपके, 3 साल में, 3 साल में हुए, तो पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 0 से 0 मैंने तुरंत कैंसिल किया, 2 से काटा, 2 से कट गया आपका 512 बार में, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा आपका 729 बार में। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, अब किसी से भी नहीं कट रहा, तो फटाफट इस पर क्या चढ़ाओ, क्यूब रूट। इस पर मैंने क्यूब रूट चढ़ा दी, क्यों चढ़ाया क्यूब रूट, क्योंकि 3 साल की कहानी थी यहाँ पे। 512 से कितने हुए आपके, 729, 512 किसका होता आपका 8 का क्यूब होता, और 729 किसका होता आपका 9 का, मतलब कोई 8 रुपये थे, 8 से कितने हुए 9 रुपये, इसका मतलब 1 रुपये ब्याज मिला, ये 1 रुपये ब्याज किस पर मिलेगा 8 रुपये पे, तो 1 अपॉन में 8 और परसेंटेज निकालना तो इनटू में 100, 4 से काटोगे 4 से कटेगा 20 बार में, 4 से काटोगे 4 से कटेगा 2 बार में, और 2 से काटोगे तो भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 10%, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा आपका 10%। आई होप आपको बहुत अच्छे समय में आएगा ये, 1 रुपये ब्याज आपको 8 रुपये में मिला, तो 1 अपॉन में 8 और इनटू में 100, क्योंकि रेट परसेंट निकालना है इसलिए, 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा यहाँ पे गलत कर दिया, सॉरी मिस्टेक। 1 रुपये ब्याज मिला 8 रुपये पे और इनटू में 100, 4 से काटोगे 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, और 25 अपॉन में 2 को 12 से 1/2% लिख सकते हैं, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समय में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20,
लिखिए क्वेश्चन, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स रुपी इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स एट टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स एट टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन थ्री ईयर्स देन फाइंड द रेट ऑफ सीआई। यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कोई धन तीन वर्षों में अपने आप का आठ गुना हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कोई धन तीन वर्षों में अपने आप का आठ गुना हो जाएगा। अब देखो भाई, वही बात है कि हमने मान लिया प्रिंसिपल एक रुपये, एक रुपये से कितना हो रहा है आपका आठ रुपये, कितने वर्ष में हो रहा है तीन वर्ष में, तो यहाँ पे भी क्यूब रूट और यहाँ पे भी क्या चढ़ो क्यूब रूट, एक का एक हो गया और आठ का क्या होता भाई आपका दो, मतलब एक रुपये से कितने रुपये हो गए दो रुपये हो गए, मतलब कितना रुपये ब्याज मिला हमें एक रुपये ब्याज मिला, ये एक रुपये ब्याज किस पे मिला एक रुपये पे, तो वन अपॉन वन इंटू में कितना हो जाएगा आपका हंड्रेड, कितना निकल गया है आपका 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे समय में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन लिखिए फटाफट आप लोग, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज़ 2304 विल रुपीज़ 2304 अमाउंट टू रुपीज़ 2500 इन टू ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज़ 2304 अमाउंट टू रुपीज़ 2500 इन टू ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2304 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2304 रुपये दो वर्षों में 2500 रुपये हो जाएंगे, दो वर्षों में 2500 रुपये हो जाएंगे। अब देखो यार, ये कह रहा है 2304 रुपये और ये हो कितने रहे 2500 रुपये हो रहा है। सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे काटेंगे भाई दो से, टू वन ज़ा टू होता वन कैरी यहाँ पे, टू फाइव ज़ा टेन, टू टू ज़ा फोर, ठीक है। ये काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1250, फिर काटो भाई टू से, टू से काटेंगे तो टू फाइव ज़ा टेन, वन कैरी टू, टू फाइव ज़ा टेन, वन कैरी टू सेवन ज़ा फोर्टीन और वन कैरी टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, काटोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 625, ठीक है। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब कटेगा नहीं, अब दो साल की बात हो रही तो यहाँ पे क्या चढ़ा दी मैंने स्क्वायर रूट, 576 होता आपका किसका 24 का और ये किसका होता 25 का, मतलब 24 रुपए से कोई कितना हो गया 25 रुपए हो गया, मतलब एक रुपये ब्याज मिला, ये एक रुपये ब्याज किस पे मिलेगा हमें 24 पे, तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 24 इनटू में कितना हो जाएगा आपका 100, काटो भाई 4 से, 4 से कटेगा आपका 6 बार में, 4 से कटेगा आपका कितनी आ रहा है 25 और 25 अपॉन 6 को आप लिख सकते 6 सही 1 बटे 4 नहीं 4 सही 1 बटे 6 सॉरी 4 होल 1/6%, ये क्या निकल के आ गया आपका रेट परसेंट। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ज़रा सी भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, ज़रा सा भी आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें। अगर मैंने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको सिखाए हैं इसी वीडियो में, वो अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आए तो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखो फटाफट, क्वेश्चन को लिखो जल्दी से, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 32,000 yield a compound interest of rupees 5044 rupees in 9 months, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 32,000 ईल्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5044 इन 9 months, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। हिंदी में समझो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 32,000 रुपये हैं और 32,000 रुपये पे आपको 9 महीने का 5044 रुपये चक्रवर्ती ब्याज गिवेन है, 5044 रुपये 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना चक्रवर्ती ब्याज की दर सालाना फाइंड करनी, और यहाँ पे जो ब्याज कैलकुलेट किया है क्वेश्चन में वो हर 3-3 महीनों में कैलकुलेट किया है। अब देखो 9 महीने का आपको ब्याज गिवन है, वो कह रहे कितना 32,000 रुपये थे, 5044 रुपये आपको ब्याज मिला, तो अगर अमाउंट की बात करेंगे तो इसमें 5044 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाए आपका 37,044, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। अब भाई 3 महीने वाला सबसे पहले सिंपलेस्ट
फॉर्म में लेके आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो काटेंगे दो से कितनी बार में कटेगा आपका, 8000 बार में, सॉरी चार से काटेंगे, चार से काटा 8000 बार में, इसे भी चार से काटोगे, चार का डिविजिबिलिटी टेस्ट ध्यान रखो क्या होता, या तो लास्ट में दो जीरो होने चाहिए तब चार से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट के दो नंबर आपके चार से डिवाइड होने चाहिए तो क्या होगा आपका, वो चार से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो यार लास्ट में दो नंबर चार से डिवाइड होने चाहिए तो पूरा नंबर चार से डिवाइड। अब ये भी फोर से डिवाइड, फोर नाइन का कितना होता है आपका 36, वन कैरी फोर टू ज़ा एट हो गया आपका, नाइन टू फोर नाइन ज़ा 36, वन कैरी फोर टू ज़ा एट सिक्स वन, ठीक है 9261। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब चूंकि इस पर क्यूब रूट क्यों चढ़ेगा, क्यों चढ़ेगा क्यूब रूट, इसलिए चढ़ेगा क्योंकि तुम्हें नौ महीने का ब्याज गिवन था वहाँ पे, नौ महीने का ब्याज का मतलब तुम्हें हर तीन तीन, वहाँ पे लिखा भी था क्वेश्चन में इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, नौ महीने में तुम्हें तीन तीन महीने में अगर ब्याज मिल रहा तो तीन ही बार तो ब्याज मिलेगा, और तीन बार ब्याज मिलने के चक्कर में यहाँ पे क्या चढ़ा दिया मैंने, क्यूब रूट चढ़ा दिया। अब 8000 किसका क्यूब होता भाई, 20 का, और ये किसका होता आपका 21 का, मतलब 20 रुपए से कोई चीज़ कितनी हुई आपकी, 21 रुपए हुई, तो कितना ब्याज मिल गया तुम्हें, एक रुपए ब्याज मिला, ये एक रुपए ब्याज किस पे मिलेगा, 20 पे, तो 1 अपॉन में 20 इंटू में 100, तो काटा कितना आ गया यहाँ पे 5%। अब लेकिन एक बात ध्यान दो यार, ये 5% जो रेट आया वो क्वार्टरली रेट आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तुमने जो भी कैलकुलेशन की क्वार्टर के हिसाब से की, तो क्वार्टरली रेट आया, लेकिन फाइंड क्या करना है तुम्हें, एनुअली रेट फाइंड करना है। तो अगर तीन महीने में तुम्हें 5% ब्याज मिल रहा तो बताओ 12 महीने में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, हर तीन तीन महीने में 5% ब्याज मिलेगा, तो 12 महीने में कितना हो गया भाई आपका 20%। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट परसेंट पर एनम आएगी वो 20% पर एनम क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समय में आ गया होगा। ज़रा भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मैं कोशिश करूँगा आपकी हर डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही, टोटल मिला के अगर देखें तो 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके CI के। आगे और जो नई वीडियो बनाएंगे उस नई वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकूँ, और आपके जल्दी से जल्दी CI टॉपिक को ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर सकूँ। तब तक के लिए आपसे जय हिंद जय भारत, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।